जिले के परसा में दूसरे चरण के खदान खोलने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरगुजा की राजनीति गरमाई है। जहां भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की सरकार अडानी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का निजी निवास अंबिकापुर को भाजपा ने घेराव किया। उसके जवाब में NSUI और युवा कांग्रेस सरगुजा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया है और बताया कि हसदेव अरण्य की दूसरी फेज की खदान की स्वीकृति भाजपा सरकार में दी गई थी, जिसे खदान के लिए पेड़ काट कर वहां पर खदान खोली जा रही है। तो इसमें कांग्रेस सरकार कहां से जिम्मेदार है, यह तो 2011 में भाजपा के शासनकाल में ही तय कर लिया गया था और स्वीकृति भी दे दी गई थी, जिसे भाजपा के लोग बेफजूल राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अजय सिंह, मेरा नाम अजय सिंह है, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हूँ सरगुजा का मैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी का पुतला दहन किए हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी अदानी को जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था 2011 में, जब उस समय यहाँ BJP की गवर्नमेंट थी, सभी विधायक पक्ष या विपक्ष दोनों विधायक मिलके यहाँ से प्रस्ताव पारित किए थे कि भाई वहाँ पे खदान खुलना है। और उस समय अपनी UPA 2 की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ से वो जारी हुआ, उसके बाद खदान आवंटन हुआ था यहाँ पे। तो उस समय का जो खदान आवंटन हुआ, उसी को लेके अब BJP वाले ये बोलते हैं कि इसमें कांग्रेस की दोहरी नीति है। भाई आवंटन हुआ था, तो उस समय जो आवंटन हुआ उसी का दूसरा पक्ष अभी 48 हेक्टेयर का जो बता रहे हैं, उसका अभी पेड़ कटाई चल रहा था। अगर गांव वालों की सहमति है कि वहां पे पुरानी जो खदान है उसको चलने दिया जाए, क्योंकि उनका पूरा मुआवजा, पूरा उनको नौकरी जो है उनको मिल चुका है उसके लिए, तो उनकी मंशा भी है। वो नया जो खदान खुलने की बात थी, उसके लिए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि नया जो खदान है उसको नहीं खुलने दिया जाएगा। इसके लिए गांव वालों ने भी एक आवेदन स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों से मिलकर सौंपा है। तो BJP का ये जो दोहरा नीति है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे पेड़ कट रही है। खदान आवंटन का काम करता है केंद्र सरकार। आज नरेंद्र मोदी जी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं केंद्र में। अगर उनको ऐसा लगता है कि पेड़ कटाई हो रहा है, खदान का आवंटन गलत तरीके से किया गया है, तो उसको वो रद्द कर सकते हैं। ये वो दोहरा चरित्र करते हैं। एक तरफ से वो बोलते हैं कि खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ है, तो गवर्नमेंट उनकी है, वो अगर चाह रहे हैं कि खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ तो उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। वो दोहरा नीति ना करें। दूसरी बात कि गाँव वालों का मनसा है कि दूसरा जो पुराना जो माइंस है उसको चालू रखें, नए के लिए मना किए हैं। लगभग उसमें जो परसा का कोल माइन से, उसके लिए 3 लाख और एक जगह 9 लाख पेड़ कटने का अनुमानित था, तो उसके लिए आश्वासन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसके रोक लगाएंगे, उसके लिए जो भी प्रयास रहेगा उसको कटने नहीं देंगे। इस बात को लेके मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री जी भी बोले थे कि एक भी पेड़ कटेगा तो हम सबसे पहले गोली हम खाएंगे, तो उसके लिए बोले थे। ये तो पुराना आवंटन है और उसका नियम था कि पहले गांव वालों का, पहले जो व्यवस्थापिक है वहां पे पहले खदान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरे टर्म में ये का। तो ये तो 2011 में जो पास हुआ था उसी का पेड़ कटाई का अभियान चल रहा है। अब इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन लोग। आज सरगुजा NSUI युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में आज नरेंद्र मोदी और रमन सिंह जी का पुतला दहन किया गया है। ये पुतला दहन इसलिए कि जो जनता को गुमराह करने का काम कर रही नरेंद्र मोदी की सरकार, आज खनन मंत्रालय केंद्र सरकार का है, उन्होंने आदेश पारित किया राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने इससे पहले आवंटन जो 2011 में था, जो लीज इन्होंने 43 सेक्टर का लेने के दिए गए थे, चाहते तो ये रोक सकते थे। जो भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चरित्र लेकर के कर घेराव करने आए और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें दोषी है, पर उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र का जो कोयला है, जो खनन मंत्रालय है, उन्होंने आदेश दिया 43 सेक्टर को खाली कराने के लिए, जिसके बाद प्रशासन लग करके वो 8,000 पेड़ों की कटाई की गई। और इसी के विरोध में जो 2011 में रमन सिंह ने इसे जो पारित करके गया था और जो हम लोगों ने नारा दिया था कि खा गए शक्कर पी गए तेल, वारे रमन सिंह तेरा के, आज उसी का परिणाम है कि सेकंड फेज का कटाई चल रहा है। ये रमन सिंह की दोहरी नीति है।
प्रोपोगंडा को हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, पंपलेट बंटवाएंगे कि ये जिस तरह से ये गलत नीति की तरह राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री ने जिस बात को कहा वो बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन रखा है, उसका पेपर भी हम जनता के बीच में रखेंगे, उसका फ्लैग बैनर भी प्रदर्शित करेंगे, जिससे जनता इस चीज़ को और भारतीय जनता पार्टी की जो दुगली नीति है इसको पहचान सके।